नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन देसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि योनो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्या आपको SBI योनो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, आप अगर म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं कि आपको योनो ऐप से इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, मगर उसके आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, पहले आपको गूगल में आना होगा। गूगल में आके आपको लिखने होगा वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, उसके बाद एक कोई भी म्यूचुअल फंड का कंपनी का आप नाम लिख के आप सर्च कर दें, ठीक है। सर्च करने के बाद वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन .com का एक साइट आ जाएगा, उसी में आपको क्लिक करने होगा। क्लिक करने के बाद जब भी वेबसाइट खुलेगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका सामने में आ जाएगा। ऊपर में जो भी आप म्यूचुअल फंड का कंपनी का नाम सेलेक्ट किए हैं वो आपको शो होगा, और इस तरफ एक आपको ड्रॉप डाउन दिखाई मिलेगा जहाँ से आपको एक रेगुलर ऑप्शन मिलेगा और एक है आपका डायरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो पहले मैं रेगुलर जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उस वाला ऑप्शन को चूज़ करता हूँ, फिर नीचे कितना साल के लिए आप चाहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए वो चूज़ करता हूँ। तो चलिए, मैं 7 ईयर्स के लिए सोच रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए। तो सपोज़ मान के चलिए मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैं 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो वेबसाइट है मुझे दिखा रहा है, अगर आप 7 साल के लिए इस वाला फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको करीबन 7 साल में 3.38 आपको रिटर्न मिलता, ठीक है। तो अमाउंट आप याद करके रखिए, 3.38 लाख, मतलब आप 1 लाख रुपया दे रहे और 7 साल के लिए उसको छोड़ दे रहे, आपको मिला 3.38 लाख। अब दोस्तों, ऊपर में जाके हम लोग चूज़ करते हैं डायरेक्ट प्लान, तो उसमें देखते हैं क्या कुछ चेंजेस आता है। इसके बाद सेम जो 7 ईयर हम लोग चूज़ किए थे वही चूज़ कर रहा हूँ। अब देख पा रहे हैं आपको क्या आपको चेंजेस दिखाई मिल रहा। पहले आपको मिला था 3.38 लाख सेम आपको 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने से, और अभी आपको मिला 3.66 लाख। तो मतलब कि दोस्तों, आपको करीबन आपका 28,000 का प्रॉफिट आपको दिखाई मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझने वाला बात है क्यों ये चेंजेस आपको आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट प्लान, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका डायरेक्ट प्लान। थोड़ा आप नीचे आएंगे, इस प्लान का एक डिटेल देखने के लिए आपको बेसिक डिटेल सेक्स ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो इस प्लान का एक्सपेंस रेशियो आप चेक करते हैं, तो इसका एक्सपेंस रेशियो दिखाई मिल रहा है आपका 0.70। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है दोस्तों, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं वो मैनेजमेंट करने के लिए, उस फंड मैनेजमेंट करने के लिए आपको सालाना ये चार्ज आपको किया जाता है, 0.70 आपको सालाना चार्ज करते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो 0.70 आपको पे करने होगा। तो इसी को अगर डायरेक्ट से चेंज करके हम लोग रेगुलर में जाते हैं तो देखते हैं कितना हम लोग को एक्सपेंस रेशियो देने होता है, ठीक है। तो बेसिक डिटेल्स में क्लिक किया, थोड़ा नीचे आप देख पाएंगे कि आपको सेम प्लान के लिए आपको चार्ज देने हो रहा 1.89, करीबन आपको 1.1 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सालाना एक्स्ट्रा गेन हो सकता है अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं। ये जो मैं डायरेक्ट रेगुलर प्लान बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको वो बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों आप योनो ऐप में जाके आप अगर देखेंगे तो वो जो योनो ऐप है दोस्तों, वो कोई डायरेक्ट प्लान आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। आपको सिर्फ रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। अभी 2021 में जितना भी उन लोग का फंड है दोस्तों, सिर्फ आप रेगुलर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वो जो आप 1.1 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं इस ऐप से अगर करेंगे तो आपका वो ऑप्शन नहीं है। अब मैं दोस्तों आपको सेकेंड रीज़न बता रहा हूँ क्यों आपको योनो ऐप से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, योनो ऐप से अगर इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो सिर्फ SBI का जितना भी फंड है सिर्फ आप उसमें
इन्वेस्ट कर सकेंगे। दूसरा, कोई भी कंपनी का फंड में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये हो गया सेकंड रीज़न। बट दोस्तों, अगर आप ग्रो ऐप से या फिर ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग या फिर आप दूसरा कोई भी आप ऐप से अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। आप मल्टीपल AMC कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि नहीं मुझे कोई ऐप से नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट बैंक में जाके करना है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। SBI बैंक में जाके आप बोलेंगे कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एक फॉर्म दिया जाएगा आपको। मगर आप उन लोगों के बोलेंगे कि मुझे रेगुलर पे नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट पे करना है, क्योंकि दोस्तों उन लोग इंसिस्ट करते हैं कि आपको रेगुलर में इन्वेस्ट करने के लिए। मगर ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रो ऐप से इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि ग्रो ऐप का इंटरफेस बहुत ही ईजी है, मैं भी खुद भी करता हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल करके आप कर सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक से इंस्टॉल करके आप करेंगे तो आपको 100 रुपये का आपको ग्रो वॉलेट बैलेंस मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना, तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।